आप देखते हैं ये प्रिज्म है, हम लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे। जब लाइट प्रिज्म से पास करती है तो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वायलेट टू रेड। वायलेट की वेवलेंथ बहुत कम होता है, रेड का सबसे ज़्यादा होता है इनमें। यहाँ पर ये थीटा प्रिज्म का एंगल है, थीटा बोलिए या कोण बी ए सी बोलिए या एंगल ए बोलिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल थीटा, ये बराबर ही है एंगल। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का। तो हम लोग 12th में पढ़े हैं रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप प्रिज्म का और एंगल है प्रिज्म का, ये डिविएशन है। लाइट जा रही है उसके बाद कितना डिविएशन हो रहा है वो मिनिमम डिविएशन है, डिविएशन एम लिखा हूँ, डिविएशन मिनिमम। तो ये फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डिविएशन मीन बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। और जब प्रिज्म का एंगल 5 डिग्री से छोटा होता है तो उसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। ये प्रिज्म के लिए एक कंडीशन है, रिलेशन है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आप थिन प्रिज्म की बात करें तो यही रिलेशन चेंज हो जाता है, जैसे साइन ए प्लस डिवीजन मीन बाई टू को सिर्फ लिख देते हैं ए प्लस डिवीजन मीन बाई टू, और साइन ए बाई टू को लिख देते हैं ए बाई टू। तो फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म म्यू इक्वल टू ए प्लस डिवीजन मीन डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई टू, ये टू टू कट जाएगा और यहीं से रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन। डिवीजन मीन यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइट इंटर करिए और तो ये पास होनी चाहिए सीधे इधर, लेकिन ये मुड़ जा रही है, तो इसी को बोलते हैं डिविएशन। यहाँ वायलेट लाइट का डिविएशन ज़्यादा है, रेड का सबसे कम है, तो डिविएशन वायलेट का सबसे ज़्यादा है, लिख दिया हूँ डिविएशन रेड से। उसी तरह इस रेंज में जो भी लाइटें हैं सबका डिविएशन रेड वाले से ज़्यादा है। तो यहाँ पर वायलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और इसका डिविएशन ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा होता है लेकिन डिविएशन कम है। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिस लाइट के लिए वेवलेंथ कम होगा उसके लिए, उस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जिसके लिए लैम्डा ज़्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। हम जैसे रेड लाइट की बात करें, रेड लाइट के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब इस रिलेशन में देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसका डिविएशन भी कम होगा, यहाँ से फिगर में दिख रहा है डिविएशन कम है। उसी तरह वायलेट लाइट के लिए बात करें, वायलेट लाइट के लिए वेवलेंथ कम होता है इन सातों लाइट में, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो डिविएशन उसके लिए ज़्यादा होगा। 7 पॉइंट ये है, एनर्जी ऑफ लाइट बीम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच फोटॉन, एनर्जी टोटल इक्वल टू एन इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। तो एन एनर्जी को लिख देंगे एच न्यू, फिर एन इज द इंटीजर। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, तो एनर्जी टोटल हो जाएगी एन एच सी बाई लैम्डा। 8वां पॉइंट है मोमेंटम ऑफ फोटॉन, पी इजक्वल टू एम सी, क्योंकि फोटॉन सी की स्पीड से चलता है वैक्यूम में, वैक्यूम के लिए लिखे हैं, तो एम को लिख सकते हैं ई अपन सी स्क्वायर इंटू सी, तो पी इजक्वल टू ई अपन सी। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन हो जाएगा इजक्वल टू पी इंटू सी, ये फोटॉन के लिए वैलिड है। अगर किसी मटेरियल पार्ट के जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना हो तो एनर्जी उसके लिए लिख देंगे रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4।
एम नॉट जो रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन के लिए लिखना होगा तो प्रोटॉन का रेस्ट मास यहाँ रखेंगे और मोमेंटम प्रोटॉन का रखेंगे। तो 9 पॉइंट है, पावर ऑफ लाइट बीम इज इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम, ये एनर्जी टोटल है, एनर्जी टोटल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पावर इक्वल टू एनर्जी टोटल को एन एच न्यू अपन टी, यहाँ एन है कि नंबर ऑफ फोटॉन कितने होंगे, एच न्यू एक एक फोटॉन की एनर्जी है, तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आ जाएगा एन अपन टी से इक्वल टू पी अपन एच न्यू, पावर है पी, तो न्यू को लिख देंगे सी बाई लैम्डा, ये भी न्यू को सी बाई लैम्डा लिखें, वैक्यूम के लिए लिखेंगे। जब और कोई कंडीशन नहीं दिया रहता है तो हम समझते हैं वैक्यूम के लिए पूछ रहा है, तो न्यू को इसलिए सी बाई लैम्डा लिखेंगे। और मीडियम के लिए रहता है तो मीडियम में जो इलास्टिक होती है तो वहाँ पर भी रखते हैं और उस मीडियम की वेवलेंथ रखते हैं। तो अगर अभी कुछ नहीं कहा है कि क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता है कि मीडियम में है कि कहाँ पर है, तो हम उसी को ऐसे समझते हैं कि वैक्यूम में है, तो इसलिए न्यू को सी बाई लैम्डा लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पावर इजकल टू एन अपॉन टी इजकल टू पी लैम्डा अपॉन एच सी। 10 पॉइंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम, इंटेंसिटी इजकल टू ई अपॉन टाइम और ये एरिया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ई अपॉन टाइम को पावर भी लिख सकते हैं, तो पावर अपॉन एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एरिया हुआ जो परपेंडिकुलर एरिया, जैसे कि अगर कोई प्लेन है इस पर लाइट बीम गिर रही है ऐसे, तो एरिया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर इधर है तो इसको कंपोनेंट तोड़ लेंगे ताकि ये लाइट बीम परपेंडिकुलर पड़े। तो अगर एरिया इसको ए है तो ये, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, यही होता है ए परपेंडिकुलर, तो इसको ए परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अब इक्विवेलेंट हो जाती है कि लाइट बीम गिर रही है परपेंडिकुलरी और इसका एरिया जो है ए कॉस थीटा है, अब ये इससे परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर है ये। 11 पॉइंट है, ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन रिमेंस कंजर्व बट नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन बिटवीन फोटॉन एंड एनी एटम और आयन। फोटॉन या कोई एटम या फोटॉन और कोई आयन रहे, उनके बीच जब कोलिजन होगा तो एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है फोटॉन कंजर्व हो, ये है। 12 पॉइंट है, इट इज एज्यूम दैट वन फोटॉन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एज्यूम करते हैं। ये तीसरा पेज है, हम लिख दे रहे हैं। अब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे इमिट हो सकता है इसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड फ्रॉम सरफेस बाय 3 मैकेनिज्म, फर्स्ट थर्मायोनोइक इमिशन, इफ मेटल इज हीटेड देन इलेक्ट्रॉन मे बी इमिटेड फ्रॉम सरफेस ड्यू टू गेन इन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सेकेंड है फील्ड इमिशन, इफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^8 वोल्ट पर मीटर देन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मे बी कम आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम फील्ड 10^8 वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर काम कर दें तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं मटेरियल से, कुछ इलेक्ट्रॉन को जो लूजली बाउंड है। थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है, इफ़ लाइट ऑफ सफिशियंट फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटेलिक सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स मे बी इमिटेड फ्रॉम सरफेस, दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये
तीन टाइप के से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं।